हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से, और आज जो मैं वीडियो लाया हूं उसमें मैं बातें करूंगा कि क्या किसी टॉप एमएनसीज या टॉप जो है सॉफ्टवेयर कंपनी में जाने के लिए क्या परसेंटेज क्राइटेरिया क्या जरूरी है, क्या हमें थ्रू आउट 70%, थ्रू आउट 60%, थ्रू आउट 75% क्या ये रिक्वायरमेंट जरूरी है, तभी जाके हम किसी टॉप एमएनसीज में अपना करियर बना सकते हैं या नहीं बना सकते, क्योंकि ये कंफ्यूजन बच्चों में है। और काफी क्वेरी मेरे पास आ रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, काफी क्वेरी आ रहे हैं। बच्चे पूछते हैं, सर मेरे ग्रेजुएशन में 50% है, मेरे प्लस टू में 50% है, तो क्या मैं कंपनी में जा सकता हूं, क्योंकि इस कंपनी में तो थ्रू आउट 70 मांगते हैं, इस कंपनी में तो थ्रू आउट 60 मांगते हैं। ये कंफ्यूजन आज मैं आप लोगों का दूर कर दूंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज और जितने भी लाइव सेशन है उनके इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा कहना है कि किसी भी बड़े एमएनसी या बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में जाने के लिए परसेंटेज क्राइटेरिया जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम प्लेसमेंट ले रहे हैं तो ठीक है, आपके परसेंटेज कम है, आपके 50% है, आपके 40% है, आपके 55% है, कोई दिक्कत नहीं है यार। आप शुरू के एक साल आप किसी छोटे कंपनी में आप जो है एक्सपीरियंस लें, किसी मीडियम कंपनी में एक्सपीरियंस लें। कोई जरूरी नहीं है कि आपको टॉप के वो टॉप 5 या टॉप 2 या टॉप 3 कंपनी में ही आपको ज्वाइन करना है। आप शुरू के एक साल, शुरू के 6 महीने, शुरू के 1.5 साल, शुरू के 2 साल आप मीडियम लेवल के एमएनसीज में आप ज्वाइन करें, ऐसी बात नहीं है। हमारे इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे ऐसे एमएनसीज हैं जो मीडियोकर हैं पर बहुत अच्छे कंपनी हैं, बहुत अच्छा पे करते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी आप जॉब कर सकते हैं। शुरू के 1 साल जॉब करें। और एक बात बता दें, जैसे ही आपका 1 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आप 1 साल एक्सपीरियंस के बाद जो कंपनी 75% का क्राइटेरिया मांगती है, जो 60% का क्राइटेरिया मांगती है, आप उसी कंपनी में जब 1 साल एक्सपीरियंस के बाद जब अप्लाई करेंगे, कोई आपसे पूछने नहीं आएगा कि आपके 10th में कितने थे, 12th में कितने थे, आप ग्रेजुएशन में कितने हैं, एमसीए में कितने हैं, बीटेक में कितने हैं, कोई नहीं पूछने आएगा। आपके उस समय केवल आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आपके टेक्निकल स्किल क्या है, आप कितना प्रोग्रामिंग जानते हैं, आपके अंदर कितने मैनेजरियल स्किल है, यही केवल आपके लिए मायने रखेगा और कुछ मायने नहीं रखेगा। तो बस अगर जिनके 50% है वो बिल्कुल निराश ना हो, ऐसा ना हो कि केवल परसेंटेज के चलते आप प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन ना करें, आप एमसीए ना करें, एमबीए ना करें, बीटेक ना करें, बिल्कुल ये गलत डिसीजन ना लें। आप बेधड़क, आपको एमसीए करना आप एमसीए करें, आप बीटेक करना बीटेक करें, आप एमबीए करना एमबीए करें, और आगे जो भी कोर्सेस करने हैं करें। आज के डेट में अगर हम बात करें, जो आज का सिनारियो चल रहा है, आज का सिनारियो बहुत ही अच्छा है। आज के डेट में केवल आपका नॉलेज मैटर रखता है, आपका कोई डिग्री मैटर नहीं रखता है। डिग्री केवल आपके शुरू के जो 1 साल आप जॉब करते हैं या जो आपको फर्स्ट जॉब लगती है वहीं तक आपके डिग्री मैटर करता है। उसके बाद जो मैटर करता है वो आपका नॉलेज मैटर करता है, आपका इंफॉर्मेशन जो है मैटर करता है, आप कितना जानते हैं, आपके अंदर टेक्निकल स्किल कितना है, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल कितना है, ये सारे चीज मैटर करते हैं। तो आप बिल्कुल भी परसेंटेज के, अगर आपके परसेंटेज कम है तो बिल्कुल भी ना डरे, बिल्कुल कंफ्यूज ना रहे, आप बेझिझक आप इन कोर्सों में जाएं, पढ़े, मेहनत करें, अपने स्किल्स को बढ़ाएं, और आप फिर पूरे जो है कहीं भी किसी भी लेवल तक आप पहुंच सकते हैं। आज के डेट में बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं एग्जाम्पल में, जिनके मैट्रिक में 50% है, प्लस टू में 50% है, 52% है, ग्रेजुएशन में 53% है, 50% है, और आज वो कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और भी अच्छे अच्छे पोस्ट में जो है बैठे हुए हैं। क्योंकि जब आप किसी वाइस प्रेसिडेंट का इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो आपसे 10th 12th का क्राइटेरिया नहीं पूछता है, वो ये पूछता है कि आपने पिछले कंपनी में कितना बिजनेस दिया, आपने कितने अच्छे से प्रोजेक्ट को सॉल्व किया, आपने कितने अच्छे से प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया, डिप्लॉयमेंट किया, ये उनके लिए मायने रखता है। वो मायने नहीं रखता है कि आपके परसेंटेज कितने थे, ये केवल और केवल शुरुआत के साल में शुरुआत के लिए मायने रखता है। और कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है शुरुआत में बहुत ही टॉप लेवल के एमएनसी ज्वाइन करें, आप बहुत सारे मीडियोकर कंपनी है वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे गूगल है, फेसबुक है, ये सब कंपनी में
केवल नॉलेज आपके मायने रखती है, आपका परसेंटेज क्राइटेरिया कुछ भी मायने नहीं रखता है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।